आज जब आजादी की दूसरी जंग हम लड़ रहे हैं, और ये मत सोचिए कि ये गलत है, हम आजादी की जंग भी लड़ रहे हैं, और उस जंग में भी जिस तरह से बापू का साथ बिहार की आवाम ने किया था, उसी तरह से आज भी आप सबको लड़ना होगा। ये लड़ाई एक दिन की रैली से जीती नहीं जाएगी, ये लड़ाई सिर्फ वो तीन कानून वापस लेने पर भी जीती नहीं जाएगी, ये लड़ाई तब तक लड़नी पड़ेगी जब तक हमारे मुल्क के जहन में जहर डालने वाले लोगों को हम वापस ना कर लें। क्योंकि ये याद रहे कि आज वो लोग हमारे दिलों में जहर डाल रहे हैं, हमें बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, देर से उनको याद आता है कि अमन की बात करनी चाहिए, वो जनता को कह रहे हैं कि शांति रखिए, अमन रखिए, लेकिन उनके ही पक्ष में, उनके ही साथ बैठे उनके ही नेतागण जो है, जो भड़काऊ भाषण करते हैं, जो घृणा की राजनीति करते हैं, जो गोली मारने के लिए नारे लगवाते हैं, उनको कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि तुम शांति रखो। मेरा दिल कल रात से इतना दुखी है, जिस तरह से दिल्ली से वीडियो आ रहे हैं, जो लोग शांति पूर्वक बैठे थे कल अपने पैरों पे चलकर पुलिस के साथ वो थाने गए, लेकिन वो स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में जेल भेजे गए, जेल में इतनी बर्बरता की है कि उनके दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं। हम इस सरकार को जो शांति पूर्वक बैठ के धरना देने वालों को, जो आजादी के नारे लगानों को देशद्रोही बताती है, हम इस सरकार को देशद्रोही मानते हैं, और हम कहते हैं इस सरकार को कोई हक नहीं है कि यहाँ बैठे, उस देश के ऊपर बैठे, जिस देश से राज करे, जिस देश को हम धरने से ही, सिर्फ और सिर्फ शांति पूर्वक धरने सत्याग्रह से ही आजादी दिला पाए थे। जब भी हमले हुए तो हमने कहा, हमने असम खाए, हमारे कारवां को हम सेवा का इंतजार है, गांधी में बेचारियों के बीच पर सवार, हम नहीं रुक सकते। जब हमने हिंदुस्तान की आजादी की तारीख के सफे पलटे, तब हमको इतने लोग मिले हजारों के तादाद में, हिंदुस्तानियत के कुर्बान होने वाले लोग मिले, और चंद नाम ऐसे भी मिले कि जिन्होंने उस जमाने में भी अंग्रेजों के तले चाटे, वायसराय से छह छह चिट्ठियां लेकर माफी मांगी, 1942 के आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी वाले सुन लो, इस तिरंगे को जिसको कि हमारी माएं बहने नौजवान किसान अपने सीने से चिपका रखता है, उस तिरंगे के झंडे को तुमने आरएसएस के हेडक्वार्टर में नहीं बनाया, और हमसे नागरिकता और राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र मांगते हो, शर्म नहीं आती तुमको? जब ये कानून लेकर आया, नागरिकता संशोधन कानून, उस दिन अमित शाह ने कहा पार्लियामेंट में आके कि कान खोल के सुन लो, हम एनआरसी लेके आएंगे। उस दिन पर आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, आंदोलन शुरू हुआ दो हफ्ते जनता ने आंख से आंख मिला के सरकार से सवाल पूछने लग गया, तो प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से कहते हैं एनआरसी है क्या, मैं तो जानता ही नहीं, डर गया। मैं समझता हूं अगर एक महीना और हम आंदोलन करें तो प्रधानमंत्री कहेंगे अमित शाह है कौन, मैं तो जानता ही नहीं। ये जो अपने आप को दादा समझते हैं ना दिल्ली में बैठ करके, ये शाही बाग की दादियों से डर गए हैं, और उसको बदनाम करने के लिए दिन रात नफरत लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है, ये नफरत लगातार लोगों के बीच में ले जाया जा रहा है, ताकि इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह कर दिया जाए। अभी आपको पता चला कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और पिछले 5 साल में 3,16,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई हैं, और नौकरियां नहीं मिलने के जवाब में ये आंकड़ा आ चुका है कि हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। मैं अपने नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहता हूं कि दोस्त,
अपने भाग्य को कोस करके हम आत्महत्या नहीं करेंगे, बल्कि हमारा कैरियर छीन करके अपने बेटे का कैरियर बनाने वाले इस तरीके से सवाल का जवाब मांगेंगे, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जो एनआरसी और एनपीआर इस देश की हर गरीब, हर महिला, हर आदिवासी, हर दलित के खिलाफ है, उसको ये सोचे किस तरीके से हिंदू मुसलमान बनाया जाए। और हिंदू मुसलमान बनाने के लिए बनाया जो कानून है वो है नागरिकता संशोधन कानून। वो कहते हैं तो नागरिकता देने वाला कानून है, कहते हैं कि नागरिकता देने वाला कानून है, पर धर्म के आधार पर देंगे। जब धर्म के आधार पर कुछ चीज देते हैं तो धर्म के आधार पर कुछ चीज छीन भी लेते हैं। हम सीए को भी उतना ही शक्ति से विरोध करना चाहिए जितना एनपीआर और एनआरसी का विरोध हम कर रहे हैं। ये कोई सब्जुडिस की मैटर नहीं है। इस देश में कानून आए हैं आंदोलन से, कानून गए आंदोलन से, कानून बदलाव आए आंदोलन से, और ये कानून भी जाएगा आंदोलन से ही। ये चीज याद रखिएगा, इमरजेंसी वापस कोई जुडिशरी के ऑर्डर से नहीं गया था। जो इमरजेंसी वापस गया था वो इसी बात के लिए गया था और इसी धरती से शुरू हुआ था जयप्रकाश आंदोलन, जनता के आंदोलन से इमरजेंसी वापस गया था, और जनता के आंदोलन से ही ये कानून भी वापस जाएगा चाहे सुप्रीम कोर्ट जो भी। तो ये बेवकूफ समझते हैं जनता को, वो ये जानते नहीं है कि पढ़ी लिखी अंग्रेजी सरकार का तख्ता हमने पलट दिया था, जिसने सालों से यहाँ पे, सदियों से यहाँ पे जमा रखा था डेरा। तो क्या ये 5-6 साल की नफरती लोगों को हम बदल नहीं सकेंगे? इनको बदलना हमारी ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, हमें सोच समझ के बस एक उंगली का इस्तेमाल करके बटन दबाना है और इनका तख्ता पलट जाएगा। यह हमारी एक उंगली के मोहताज है, सिर्फ एक उंगली के। गांधी ने धर्म के आधार पर देश की बांटने की साजिश को बखूबी समझा था, इसीलिए गांधी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और आज अगर गांधी जिंदा होते तो इसी गाने के साथ उन्हें बात जोड़ते, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको शिक्षा, सबको काम, रोटी कपड़ा और मकान, सब इंसान को मिले बाप का आत्मसम्मान। इस गाने में ये बात जुड़ी जाती है। इस देश की सरकार ने गोडसे को चुन लिया है, इस देश की जनता को तय करना है कि उसको गोडसे के साथ जाना है कि गांधी के साथ जाना है। बोलिए किसके साथ जाने के लिए तैयार है? अगर गांधी के साथ जाने के लिए तैयार है तो नेता की तरह मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं, मुझे लफाजी करके, चाटुकारिता करके और वोट की गिनती करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है। इस बात को याद रखिएगा। कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं, उससे चुनाव नहीं जीते जाते हैं, उसे इतिहास बनाया जाता है। और आप तमाम लोग जो आज पटना के गांधी मैदान में हैं, आप इस देश में इतिहास रच रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। Thank you.